الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم کی ایک سورت کی یہ ابتدائی چند آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطففین کے لیے بڑی خرابی کا اعلان کیا ہے اور پھر آیت میں ہی یہ بتایا گیا کہ تطفیف کرنے والے یا مطففین کون لوگ ہیں فرمایا جب وہ لوگوں سے ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں یعنی اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کمی کی اجازت نہیں دیتے اور جب خود ان کو دوسرے کو کوئی چیز ناپ کر یا توڑ کر دینی ہوتی ہے تو اس میں کمی کرتے ڈنڈی مارتے تو یہ مطففین ہیں اپنا حق پورا پورا وصول کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو دوسروں کا حق ہے اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے کم تولتے ہیں اور کم وزن کرتے ہیں فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے ویل ہے ویل للمطففین مطففین کے لیے یعنی تطفیف کرنے والوں کے لیے ویل ہے یعنی بڑی خرابی ہے ویل کا ایک ترجمہ تو یہ ہے دوسرا ترجمہ ویل کا یہ کیا جاتا ہے کہ ویل جہنم کا ایک حصہ اور جہنم کی ایک وادی ہے جہاں سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس میں وہ رکھے جائیں گے آیت میں فرمایا گیا کہ مطففین وہ لوگ ہیں کہ جب لینا ہوتا ہے تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں لیکن تطفیف کا تعلق صرف ناپ اور تول میں کمی کرنے سے ہی نہیں ہے بلکہ تطفیف کا مطلب اس سے کہیں زیادہ عام ہے آدمی کے اوپر اگر کسی کا حق ہے اس حق کی ادائیگی میں اگر وہ کمی کرتا ہے تو یہ تطفیف ہے
यहाँ तक कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और नमाज में जिस तरह रुकू और सजदा इत्मीनान से करना चाहिए उस तरह इत्मीनान से नहीं करता तो ये भी तकलीफ है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को देखा कि उसने नमाज पढ़ी और रुकू और सजदे जल्दी जल्दी किए। जब वो नमाज से फारिग हो गया तो आपने उसे बुलाकर फरमाया लकद तफफ्ता, तूने तफीफ की, तूने नमाज का हक अदा नहीं किया। नमाज का जो हक था खुशू खुदू सुकून और इत्मीनान, तूने नमाज का हक अदा नहीं किया तो तूने तकलीफ की। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि तकलीफ इबादात में भी होती है, तकलीफ हुकूक की अदायगी में भी होती है, हर इबादत में तकलीफ हो सकती है। मसलन कोई शख्स वजू करे और वजू करने का जो तरीका है उस तरीके से वजू न करे, उसके सुनन और उसके मुस्तहबात को अदा न करे तो उसने वजू में तकलीफ की, वजू का हक मारा। इसी तरह नमाज के जो आदाब हैं उनकी रियायत नहीं की तो उसने नमाज का हक मारा और नमाज में तकलीफ की। तो तकलीफ का ताल्लुक सिर्फ नापने और तौलने से ही नहीं है, बल्कि तकलीफ का मतलब यह है कि जिसका जो हक है उस हक को पूरे तौर से अदा न किया जाए, ये तकलीफ है। बेटा अगर वालिदैन के हक को अदा नहीं करता है तो वो तकलीफ करता है। वालिदैन अपनी औलाद का हक नहीं अदा करते हैं, पूरा करते हैं तो वो तकलीफ करते हैं। इसी तरह आप समझ लीजिए, जिस किसी का दूसरे के ऊपर कोई हक है और वो शख्स उस हक की अदायगी में कोताही करता है तो वो तकलीफ का मुर्तकिब है और तकलीफ हराम है, नाजायज है। फरमाया वैलुल लिल मुकफ्फिफीन, बड़ी खराबी है तकलीफ करने वालों की। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करते हैं नाप तौल में कमी करने वालों की, और शेखुल हिंद का तर्जमा है बड़ी खराबी है घटाने वालों की, जो घटा कर देते हैं किसी का हक उनके लिए बड़ी खराबी है। कुरान कहता है मुतफ़िफ़ीन कौन है, الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, जब वो लोगों से तौल नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। पूरा पूरा लेना कोई गुनाह नहीं है, ये आदमी का हक है कि वो अपना पूरा हक वसूल करे, ये गुनाह नहीं है। लेकिन ये चीज उस वक्त काबिले एतराज बन जाती है कि जब आदमी अपना हक तो पूरा पूरा वसूल करे और जब दूसरों को देने की बात आए तो उसमें कमी करे, नाप और तौल में कमी करे। ऐसे लोगों से कुरान कहता है अला यदुन उलाइक अन्नहुम मबऊसून लियौम अज़ीम, क्या इन लोगों को यकीन नहीं है कि ये उठाए जाएंगे एक बड़े दिन की तरफ,
वो बड़ा दिन यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। कुरान ये कहना चाहता है कि ऐसा अमल वही लोग कर सकते हैं जिनको अपनी जवाबदेही का यकीन ना हो, जिन्हें इसका यकीन ना हो कि एक दिन उन्हें अपनी इस हरकत का अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाबदेह होना होगा और अल्लाह पूछेगा, जिन्हें इसका यकीन नहीं वही लोग ऐसा कर सकते हैं। और जिन्हें इसका यकीन हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, मेरे हर छोटे बड़े अमल और हर अच्छी बुरी हरकत का मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है, जिस शख्स को इसका यकीन है तो वो शख्स यकीनन ऐसी हरकत नहीं करेगा। ऐसी हरकत करने वालों के दिलों में कहीं ना कहीं ये बात है कि उन्हें जवाबदेह नहीं होना होगा, ये फरेब है उनकी अकलों का, ये शैतानी धोखा है जो उनको पेश आ रहा है। हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना है और अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे अमल का जवाब देना है। और जवाब भी किस तरह देना है कि इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। दुनिया में अदालतों में तो जाकर आदमी झूठ बोल लेता है और झूठे गवाह पेश करके बसा अवकात छूट भी जाता है, लेकिन रब्बे कायनात की उस अदालत में न झूठ चल सकेगा न झूठे गवाह वहां काम आएंगे। वहां तो जिंदगी की हर करतूत लिखी लिखाई सामने मौजूद होगी कि जब उस नामे आमाल को देखेगा तो खुद से कहेगा मालिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतं वला कबीरतं इल्ला अहसाहा। ये कैसा नामे आमाल है, ये कैसी किताब है कि जिसने छोटी बड़ी कोई भी हरकत ऐसी नहीं छोड़ी जिसको लिख नहीं, सब कुछ लिखा हुआ पाएगा। और वहां सवाल क्या होगा, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्नि आदम यौम अल-क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से इब्ने आदम के कदम हिलने नहीं पाएंगे जब तक 5 सवाल न कर लिए जाएं और उन 5 सवालों का जवाब उससे हासिल न कर लिया जाए। अन उम्रिही फीमा अपना, जो जिंदगी हमने तुम्हें दी थी उसे कहां खर्च किया। जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जिंदगी ही अगर ना हो तो अल्लाह की किसी दूसरी नेमत से फायदा उठा ही नहीं सकता। यूं तो एक ईमान वाले को जो सबसे बड़ी दौलत और नेमत मिली है वो ईमान की नेमत है, ईमान की दौलत है, लेकिन उलमा की एक जमात ये कहती है कि सबसे बड़ी नेमत जिंदगी है।
क्योंकि जिंदगी ना होती तो ईमान भी न मिलता। जिंदगी थी तो इनाम तो ईमान मिला, जिंदगी ना होती तो ईमान भी ना मिलता। इसलिए जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर छोटी बड़ी नेमतों के बारे में पूछेंगे, बंदे मैंने तुझे ये नेमत दी थी उसका क्या किया, ये नेमत दी थी उसका क्या किया। ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, फिर तुमसे जरूर भी जरूर पूछा जाएगा नेमतों के बारे में, हर नेमत के बारे में, जिंदगी के बारे में, सेहत के बारे में, छोटी बड़ी तमाम नेमतों के बारे में। तो पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, दूसरा सवाल होगा वो अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी भी जिंदगी का ही एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है इसलिए जिंदगी के बारे में सवाल करने के बाद फिर खुसूसियत से जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। वान शबाब ही फीमा अबला, जवानी के बारे में सवाल होगा कि इसे कहां गंवाया, इसे कहां पुराना किया, यानी इसे कहां गंवाया, किन खुराफात में इसे तबाह और बर्बाद किया। और दो सवाल माल के बारे में होगा, वह माली मिन अयन इक्तसबहु व फीम अनफकहु, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। वमादा अमीला फीमा अलीमा, और जितना इल्म मिला था उस पर कहां तक अमल किया। ये पांच सवालात हर एक से किए जाने हैं और कदम नहीं हटा सकता कोई अल्लाह के सामने से जब तक ये पांच सवाल उससे कर न लिए जाए। तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा जब अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा। उसी बात को कुरान कहता है अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, क्या ये यकीन नहीं रखते कि ये उठाए जाएंगे एक बड़े सख्त दिन की तरफ। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, हर एक को खड़ा होना, हर एक को जवाब दे होना, और वहां न झूठ चल सकेगा और न झूठी गवाही चल सकेगी। ऐसा नहीं कि हर शख्स सर झुकाकर मान लेगा कि अल्लाह जो कुछ लिखा हुआ है वो सब सही है। ऐसे भी होंगे जो दाएं बाएं देखेंगे, जो यहाँ कोर्टों में जाकर के दाएं बाएं देख करके लोगों को फंसाते थे, झूठ बोलते थे और बुलवाते थे, झूठी गवाही देते थे और दिलवाते थे, तो वो मिजाज थोड़ी बदलेगा। वो देखेंगे कि मैदान तो साफ है, यहाँ कोई गवाही देने वाला तो है नहीं, अगर हम इनकार कर दें तो शायद बच जाए। तो रिवायत में आता है कि वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह, आपका इरशाद है कि आज के दिन किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा, ऐ अल्लाह हमारे साथ इंसाफ फरमाइए, ये जो नामे आमाल में हमारे गुनाह लिखे हुए हैं अल्लाह इस पर गवाह नहीं है कोई। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ठीक है, गवाह चाहिए। कुरान कहता है
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा दें, टेप चिपका दिया जाए, बोल ना सके, उनके हाथों को और पैरों को कुव्वते गोयाई दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा गवाही दो इस शख्स के उन अमाल की जो तुम्हारे जरिए ये करता था. फिर हाथ बोलने लगेंगे, पैर बोलने लगेंगे कि अल्लाह, हाथ कहेगा कि अल्लाह मुझसे इसने ये गुनाह करवाए, पैर कहेंगे कि अल्लाह मेरी सवारी करके ये कहां कहां गया, किन किन जगहों पर गया. और सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, ये आंखें बोलेंगी, ये कान बोलेंगे, ये चमड़ी बोलेगी जिस्म की, एक एक उज्व बोलेगा और सब गवाही देंगे. ये तो सूरे यासीन की आयत है, अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून. हामीम सजदा जो एक सूरत है उसकी आयत है, व यौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युज़अऊन. याद करो वो दिन जब अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा, लाया जाएगा. फहुम युज़अऊन और उनको रोक दिया जाएगा. रोक दिए जाने का मतलब कि जब फरिश्ते इन गुनहगारों की भीड़ को हांकते हुए उस जगह पर ले जाएंगे जहां हिसाब होना है, तो इतनी बड़ी तादाद होगी कि फरिश्ते ये सोचेंगे कि कहीं पीछे रहने वाले ज्यादा पीछे न रह जाएं, तो आगे वालों को रोक देंगे, रुको पीछे अब जो लोग आ रहे हैं उनको आ लेने दो. जब सब उस जगह जमा हो जाएंगे तो कुरान कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समरहुम व अबसारहुम व जुलूदहुम बिमा कानू यअमलून. जब ये जहन्नम के पास आ जाएंगे, हत्ता इज़ा मा जाऊहा, जब ये जहन्नम के करीब आ जाएंगे, यानी जहां ये खड़े किए जाएंगे जहन्नम उनसे बिल्कुल करीब, उसकी दहकती हुई आग उनको नजर आ रही होगी, अल्लाह ताला क्या करेंगे, इनके आज़ा से इनके खिलाफ गवाही लेंगे. शहीद अलैहिम समरहुम, इनके खिलाफ गवाही देंगे इनके कान, वो अबसारहुम इनकी आंखें, वो जुलूदहुम और इनके चमड़े, बिमा कानू यअमलून जो कुछ ये करते थे. तो फिर ये क्या कहेगा, कालू लि जुलूदिहिम लिमा शहीद तुम अलैना. ये अपने आजा से कहेगा कि ऐ बदबख्तो, जो कुछ मैंने किया था तुम्हारे ही लिए किया था. आंख से कहेगा कि ऐ आंख, अगर मैंने तेरे जरिए किसी नामहरम पर नजर डाली थी तो तेरी ही ठंडक के लिए डाली थी. हाथ से कहेगा अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की थी जो गुनाह की हरकत थी तो तेरे लिए की थी. पैर से कहेगा तेरे लिए किया था.
और आज तुम सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मेरे खिलाफ गवाहियां दे रहे हो। कालू ली जुलूदी लीमा शहीद तुम आलेना, हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? तो सब एक जुबान होकर कहेंगे कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल शय, वो अल्लाह जिसने आज हमें गोयाई दी है, जिसने हर शय को गोयाई दी। जब अल्लाह ने आज हमें गोयाई दी और हमसे बोलने के लिए कहा तो हम क्यों ना बोले? ये सूरत हाल होगी उस दिन। तो कुरान कहता है कि ऐसे लोग गोया, ये यकीन नहीं है उनको कि वो एक सख्त बड़े दिन की तरफ उठाए जाएंगे और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना होगा। तो ये तकफीफ मेरे दोस्तों हराम है। ये तकफीफ चाहे तिजारत में हो, चाहे इबादत में हो, चाहे हुकूक में हो। हासिल ये निकला कि जो शख्स दूसरों के वो हुकूक जो उनके ऊपर हैं उसमें कमी कोताही करता है, उनको मारता है, तो वो तकफीफ करने वाला है। जिस तरह खरीदार का ये हक था कि उसे बेचने वाला पूरा पूरा नाप और तौल कर देता, उसने नाप तौल में कमी की, तो ये तकफीफ है। अगर अल्लाह के हक को पूरा पूरा अदा नहीं किया तो ये तकफीफ है। वजू में भी तकफीफ हो सकती है, नमाज में भी तकफीफ हो सकती है, रोजे हज और जकात में भी तकफीफ हो सकती है, और हुकूक में भी तकफीफ हो सकती है। और हुकूक का मामला तो मेरे भाइयों बड़ा ही सख्त है। ये तो आए दिन का हमारा तजर्बा है, मुशाहिदा है कि हर शख्स ये चाहता है कि उसे उसका हक ही नहीं हक से ज्यादा मिले। कोशिश ये होती है हक से ज्यादा लेने की कोशिश करो, और जब देना होता है तो ये चाहता है कि किसी दांव और पैतरे के साथ कोई तमाशा और खेल करके कम से कम देना पड़े, इसकी कोशिश करता है। हर जगह यही हाल है, हर जगह यही किस्सा है। तो इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत में बयान फरमाया है और इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए, घटाकर देने वालों के लिए, कि जब वो नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब दूसरों को नाप और तौल कर देते हैं तो उसमें कमी करते हैं। ये कम देना ये तो हुनर बन गया है यार। हमारे यहाँ भिवंडी में एक बहुत चलती हुई बात है कि फला सेठ के यहाँ वार मारा जाता है। कारीगर के दिल में ये बैठा रहता है कि उसने जितने वार चलाए हैं उसकी जो थग्गी है उसको नापने में कुछ न कुछ कमी की जाती है। अब क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता, ये तो नापने वाले जानते हैं और जिन्हें नाप कर मिलता है वो जानते हैं। लेकिन ये बात मशहूर है
ऐसे दुकानदार भी आपको मिलेंगे कि आप उनके यहां से 10 मीटर कपड़ा नपवा कर लाइए और घर आकर के उसको नापिए तो 2-4-10 इंच तो उसमें कमी हो जाएगा, वो पूरा नहीं उतरता। नाप तौल में कमी, हालांकि फरमाया गया कि जब कोई कौम नाप और तौल में कमी करती है तो अल्लाह के रिज़्क से महरूम कर दी जाती है, ये उसका नतीजा सामने आता है। तो एक तो आम बात हो गई है तिजारतों में, लेकिन ये कमी करना सिर्फ तिजारत ही में नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी के हर शोबे में ये चीज दाखिल हो गई है। लेना हो तो पूरा पूरा लो और देना हो तो कम से कम दो, और अगर हो सके कि ना देना पड़े तो उसकी भी कोशिश कर लो, उसकी भी कोशिश कर लो कि देना ही ना पड़े, और अगर देना हो तो कम से कम देना पड़े, ऐसा कर लो। हमारे यहां का एक वाकया है कि एक बाप के 2-3 बेटे थे और बाप ने 2 शादियां की, एक से एक बेटा था और दूसरी बीवी से और औलाद थी। जब जायदाद तकसीम हुई आप में से हम में से हर शख्स गांव और देहात का रहने वाला है, वो जानता है कि पहले सड़क के किनारे का की जो जमीन होती थी, जो खेत होते थे, तो उसे जल्दी लोग लेने को तैयार नहीं होते। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस एक बच्चा जो जिसकी माँ का इंतकाल हो गया था, अकेला था, उसको जो जमीन मिली वो फिर सब सड़क के किनारे दे दी गई, सड़क के किनारे पूरी जमीन, और बाकी जो जमीन जिसके बारे में समझते थे कि बड़ी कीमती है, काबिले काश्त है, वो अपने हिस्से में रखी। लेकिन कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगे, वक्त पलटा, हालात बदले और सड़क के किनारे की जमीनें कीमती होती चली गई, और जो सड़क पर नहीं थी इन जमीनों के मुकाबले में उसकी कीमत बहुत कम। अब बेईमानी पैदा हुई, कोई रजिस्टर्ड बंटवारा तो हुआ नहीं था, खानगी बंटवारा था, यानी आपस में बैठकर बांट लिया गया था, रजिस्टर्ड हुआ नहीं था कि ये जमीन इनके हिस्से की, ये जमीन इनके हिस्से की। अब जब सड़क के किनारे की जमीनें कीमती हो गई तो उन भाइयों ने कहा फिर से बंटवारा लीजिए, अब फिर से बंटवारा हो गया, वो झगड़ा शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। ये होता है, तो लेने का मिजाज हर एक का है, देने का मिजाज। इसी के साथ साथ तत्फीफ की एक सूरत और भी है। मैं इस मदरसे में काम करता हूं, जिम्मेदारों ने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी। मुझे पढ़ाने के लिए कुछ असबाब दिए और मेरा वक्त मुतय्यन कर। अगर मैं अपनी उन जिम्मेदारियों को बहुसन खूबी पूरी करता
और जो वक्त मैंने मदरसे को दिया है, मुआहिदा हुआ है जिम्मेदारों से, वो पूरा वक्त देता हूँ तो ठीक, और अगर उसमें कमी करता हूँ तो ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है और ये भी हराम है। आप किसी जगह मुलाजिम हैं, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है और उसकी तनख्वाह आपको मिलती है, अगर पूरे 8 घंटे दयानतदारी के साथ आप काम करते हैं तो ठीक है, और अगर उसमें कमी करते हैं, 8 घंटे पूरी ड्यूटी नहीं करते तो ये भी तकलीफ है। तकलीफ सिर्फ नाप और तौल में कमी से मुताल्लिक नहीं है, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उस जिम्मेदारी में कमी और कोताही आप करते हैं तो वो भी तकलीफ है, वो भी हराम है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।